हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है बृहस्पतिवार है और तारीख है आज 3, और बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं कल से स्टार्ट। तो बस एग्ज़ाम इस बार कुछ तैयारी भी नहीं हो पाई बच्चों की। वैसे तो मतलब पढ़ा है बच्चों ने तो इतना ज़रूरत नहीं है, पर जैसे प्रिपरेशन कराती थी बिल्कुल भी नहीं करा पाई मैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं बस हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रही हूँ, तो लेकिन मायूसी हाथ लग रही है। मतलब डॉक्टर जिन वैसे तो आपको पता हमने कितने हॉस्पिटल में दिखा दिया। तो जैसे एक डॉक्टर है, मतलब जहाँ जो बड़ा हॉस्पिटल समझ लो, मतलब नाम का ही समझ लो, हमारे लिए तो नाम का है, जब वो हमारे किसी काम नहीं आ रहा है तो वो मतलब बोल रहे हैं कि हम ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन अगर आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहते बोल रहे हैं कि अगर आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहते हो, PGI ले जाना चाहते हो, दिल्ली ले जाना चाहते हो, आप ले जा सकते हो। तो मतलब इंसान कंफ्यूज नहीं होता है क्या? मतलब आपको श्योरिटी नहीं है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बोले हम कर लेंगे, लेकिन आप पे पैसा है तो आप ले जा सकते हो। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। और अभी खाना नहीं खाया, कि बच्चों ने तो खा लिया है, हस्बैंड आने वाले हैं, शायद आ भी गए हैं, तो अब हम खाना खाएंगे। हाँ जी, हाँ ओके। तो फिर हाँ, तो फिर मैं बोल रही थी, तो बस अब 8 तारीख को हमने जाना है, जो मैंने ऋषिकेश में हम जिन डॉक्टर को दिखाया था, तो 8 तारीख को हमने वहाँ जाना है। तो वहाँ डिसाइड अब होगा कि वो क्या बोलते हैं, मतलब देखते हैं उसके बाद क्या डिसाइड होता है, कि शायद दिल्ली ले जाना पड़े एम्स में बेटे को, तो वहाँ से अब डिसाइड होगा। तो थोड़ा दिमाग अब थोड़ा कंट्रोल में है। कंट्रोल मतलब अभी तक यही था कि वो डॉक्टर क्या बोलेंगे, वो डॉक्टर क्या बोलेंगे, अभी भी बस ये है। हाँ मुझे पता है, 8 तारीख को बोल रहे हैं कि मतलब 8 तारीख को हम जाएंगे वहाँ, शाम को जाना है, शाम का अपॉइंटमेंट है, और बच्चों के एग्ज़ाम भी 9 को, दोनों का एग्ज़ाम है, 9 को 8 को हमने जाना है। तो बस फ्रेंड, बस यही सब चल रहा है लाइफ में। मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर ब्लॉग ना डालो ना, जैसे मैं वैसे भी मैं एक दिन गैप करके डालती हूँ, ना डालो तो मतलब वीडियो वैसे ही व्यू कम है। मतलब जब मेरी तबीयत खराब थी उस समय व्यू कम हो गए थे, तो और ज़्यादा व्यू कम हो गए। मतलब अगर नहीं डालूंगी तो और व्यू कम। और लोग बोलते हैं कि परेशान हो, वीडियो डाल रहे हो, ये है वो, तो ऐसा नहीं है यार। मेरे हस्बैंड नौकरी नहीं कर रहे क्या? वो जा रहे हैं ना, तो ये भी तो हमारी एक जॉब ही है ना, ब्लॉगिंग भी हमारी एक जॉब तो है। तो इसलिए हम ना, हम क्यों ना डालें वीडियो, या हम वो क्यों ना करें, ब्लॉगिंग क्यों ना करें। तो ऐसा है, जिसकी जॉब है वो तो करेगा ही करेगा, जॉब कोई नहीं छोड़ता है। लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, और शायद भगवान ने मुझे इसीलिए बचाया, इसीलिए पिछले साल बचाया कि मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूँ, है ना। बोलते हैं ना, हर चीज़ के पीछे भगवान का कोई ना कोई मकसद रहता है, तो शायद भगवान ने इसीलिए मुझे सही रखा कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूँ, अपने बच्चे को ठीक कर सकूँ। चलो देखते हैं। और पता है डॉक्टर ये बात भी बोल रहे थे, मतलब हम इतना कंफ्यूज हुए ना। एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि कम से कम हम 10 डॉक्टर को दिखा चुके होंगे जब से मतलब इसकी आईज को। तो एक डॉक्टर, उन्होंने कहा ये एक टाइम पे इसकी ये आंखों की रोशनी बिल्कुल चल जाएगी, मतलब सिर्फ एक आंख की जो प्रॉब्लम है जिसमें नहीं देखेगा। और जो अब हमने जिन डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कोई, मैंने कहा कि डॉक्टर अगर ना कराया ऑपरेशन, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा कोई रोशनी हो, कोई डॉक्टर ऐसे बोले थे, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसी है नॉर्मल ऐसी रहेगी इसकी आँख, मतलब जो वीक हो रही है या फिर जो भी प्रॉब्लम है। तो ये सब है, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। मतलब आप लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हुआ है, तो इसके ना मतलब बचपन में ही आँख जैसे पलके झुकी हुई थी, छोटी लगती थी एक आँख, तो हमने इसे बचपन से ही दिखाया था। तो उस समय सब यही बोलते थे कि पलके झुकी हुई है, पलके झुकी हुई है, डॉक्टर से ही बोलते थे पलके झुकी हुई है। और नज़र का इसके बच्चे की जब पढ़ने लग जाएगा 5 साल, तब पता चलेगा, और जो भी ऑपरेशन वगैरह जो भी होना है वो तभी होगा। तो फिर बीच में फिर लॉकडाउन भी लग गया, 2 साल तक हमने इसे दिखाया था, फिर बीच में लॉकडाउन, आपको पता ही है कंडीशन कैसी, फिर मैं ही बीमार हो गई। तो अब हमने फिर 5 साल का ये हो गया फिर हमने दिखाया, तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि इसकी ना मतलब जो मसल्स हैं आपकी, मतलब पलकों का तो ऑपरेशन यहाँ से उठाना है सिर्फ, लेकिन जो इसके अंदर की मसल्स है वो बिल्कुल मतलब एक मसल्स दबी हुई है,
वो काम नहीं करी, जिससे इसकी आंखों की रोशनी नहीं बढ़ पाएगी। अगर आप पलक ऊपर भी कर लेते हो बट इसकी आंखों की रोशनी नहीं बढ़ पाएगी, और पलक भी उसमें वो है, मतलब पलक का तो होना ही होना है, वो तो अलग ऑपरेशन है, लेकिन इसका जो मसल्स का बोल रहे हैं डॉक्टर सब की मसल्स का ऑपरेशन होना है, तो उसी में कई बातें हो रही है ना, कोई बोल रहे कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा है वैसे रहेगा, बस चश्मे आपने लगा लिया है। कोई बोले कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल इसकी सांस की रोशनी चल जाएगी, और अगर हम नहीं कराते हैं तो ये है कि अभी क्योंकि बोलते ना 10-11 साल तक बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, जैसे कम हो रही है तो हम बढ़ सकती है, तो अगर हम उस मसल का ऑपरेशन करवा देते हैं तो इसकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, और जैसे फिर पलकों का भी हो जाएगा ऑपरेशन, तो थोड़ा मतलब पलक इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल ही रहती है चाहे हम कुछ भी करवा लें, बट ये कि थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, जैसे आँख थोड़ा बड़ी हो जाएगी, बड़ी लगने लगेगी, मतलब होगी क्या बड़ी लगने लगेगी, अभी इसकी पलकें झुकी, तो बस ये सब प्रॉब्लम है मेरे बेटे के साथ, तो इस वजह से डर लग रहा है, डर ये लग रहा है ऑपरेशन से। मुझे ये नहीं कि चलो ऑपरेशन होना है तो होना है ना, जो होना है वो कंडीशन तो मतलब उसी समय फेस करूँगी जिस समय बच्चा ऑपरेशन थिएटर में जाएगा या कुछ जो भी है, बट अभी यही प्रॉब्लम हो रही है, कहीं हमने किया अभी फैसला लिया अभी और कुछ और हो गया, इसलिए डर लग रहा है कि गलत हाथों में ना हो जाए और कल के दिन ये ना रहे, और जैसे सब बोले कि सीधे दिल्ली चल जाओ, क्यों इधर उधर भटक रहे, सीधे दिल्ली चल जाओ, ये फिर ये होता है ना, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, हर पेरेंट्स का रहता है कि अपने बच्चे के लिए हम कितनी सी भी कसर, ये ना हो कि यार हम काश उस डॉक्टर को दिखा देते, काश हम उस डॉक्टर को दिखा देते, ऐसा हो जाता काश, तो हमने सबको दिखा दिया है, अब जो लास्ट है उन्हें दिखाना है, तो हमने अब सबको दिखा लिया है, और फिर अब ये है कि मतलब हमारे मन में कोई वो तो नहीं रहेगी ना कि हमने काश हम उन्हें दिखा लिया था, उन्हें दिखाया था, तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए कोई कमी ना हो, अच्छा से अच्छा हर चीज़ हो, खान पीन हो, तो ये तो ऑपरेशन की बात रही, तो बस यही सब है, यही चल रहा है, और अभी मैं तैयार दिख रही हूँ आपको, तो नीचे मतलब हमारे मकान मालकिन है जो दीदी, उनके साथ गई थी मैं, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आनी थी, उनकी भी थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है, तो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आनी थी तो वहाँ गई थी, बच्चों को मतलब 1 बजे गई थी मैं वहाँ खाना बना के, फिर आके बच्चों को खाना दिया था यहीं पास में यहाँ हॉस्पिटल, तो उनके साथ गई थी इसलिए तैयार दिख रही हूँ आपको, तो बस यही फ्रेंड जो बोलना वो मतलब पूछ रहे थे मेरी फ्रेंड्स वगैरह कि क्या प्रॉब्लम है, तो यही प्रॉब्लम है बस, और अब 14 तक तो इनके एग्ज़ाम है, उसके बाद मतलब होना है ऑपरेशन, कहीं जहाँ भी होना है उसके बाद होना है, और तो चलो अब फिर खाना पीना खाते हैं, हस्बैंड भी आ गए हैं, फिर आपको बाद में मिलते हैं।